जैसे कि हम अपने कार्यक्रम के दौरान, अपने प्रोग्राम के दौरान दिल्ली को लौट रहे थे और रास्ते में तिलोथो गांव से आगे पेट्रोल टंकी के आगे दो लड़कों ने ऐसा छेड़खानी की जिसमें से एक का नाम अभिषेक दुबे था और एक का नाम राजा था और दोनों दारू के नशे में चूर थे। दोनों ने बहुत दारू पी रखी थी और दोनों आए और एकदम से मेरा गाड़ी से मेरा बाल पकड़ के मुझे खींच लाए बाहर और मेरे साथ मारपीट करना और मेरे साथ दुष्टकर्म करने का उन्होंने कोशिश किया, मेरा कपड़ा उतारने का कोशिश किया, मेरे साथ हाथापाई किया, मुझे बहुत मारा वो लोग। और जब मैं वहाँ पे बेहोश हो गई तो वो लोग मुझे भागते भागते ये बोल के गया कि तुम्हें जान से मार देंगे, बस ये बोलते बोलते वो लोग भाग गया। उसके बाद मैं सुबह 6 बजे यहाँ डेहरी में महिला थाना में गई आवेदन देने के लिए, तो उन्होंने मेरा आवेदन लिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं दिन भर में 10 बार गई, चक्कर लगाई और वहाँ 5-7 बार फ़ोन भी की, बट यही जवाब मिला कि कार्रवाई की जाएगी की जाएगी। लास्ट में जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं रात को 8 बजे वहाँ गई और गई तो वहाँ उन लोगों ने मेरे साथ दुष्ट व्यवहार किया, ये बोलने लगे कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा आवेदन फाड़ दिया जाएगा और अगर हल्का उसने छू ही लिया तो क्या हो गया, इस तरह का मिसबिहेव वो लोग मेरे साथ करने लगे, रफ लैंग्वेज यूज़ करने लगे। केस दर्ज नहीं की गई आपकी? जी केस दर्ज नहीं की गई? नहीं, मेरा उन लोगों ने कोई केस का सुनवाई नहीं किया ना मेरा केस दर्ज किया और उन्होंने कहा ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा आवेदन भी फाड़ के फेंक देंगे।